के प्रसिद्ध श्री श्री विद्याधाम मंदिर पर नानी बाई को मायरो कथा का 3 दिवसीय भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस आयोजन की मुख्य सूत्रधार श्री गोवर्धन नाथ महिला भक्त मंडल इंदौर की सभी सदस्य रही है। इंदौर शहर के प्रसिद्ध धर्मस्थल श्री श्री विद्याधाम मंदिर सत्संग हॉल में 24 दिसंबर से नानी बाई का मायरक कथा का पावन आयोजन किया गया था, जो 26 दिसंबर को संपन्न हुआ। आयोजन के प्रथम दिन विशाल कलश यात्रा निकाली गई थी। व्यासपीठ पर बैठकर प्रसिद्ध कथावाचक पंडित कमलेश दीक्षित ने बड़े ही सुमधुर सारगर्भित शब्दों में भक्तों को कथा का रसपान कराया। इंदौर शहर के एरोड्रम रोड स्थित प्रसिद्ध धर्मस्थल श्री श्री विद्याधाम मंदिर पर आयोजित श्री गोवर्धन नाथ महिला भक्त मंडल का यह प्रथम आयोजन था। आयोजन के पहले दिन 24 दिसंबर को नरसिंह मेहता की जीवनी एवं महारास दर्शन कथा का भक्तगणों को रसपान करवाया गया। नानी बाई को मायरो कथा के दूसरे दिन शनिवार 25 दिसंबर को नानी बाई का जन्म एवं विवाह के साथ ही नरसिंह मेहता के द्वारा मायरे की तैयारी का श्रवण पाठ कराया गया। तीसरे दिन रविवार 26 दिसंबर को अंजार नगर प्रस्थान एवं भगवान का सांवरिया सीट के रूप में आगमन एवं 56 करोड़ का मायरा लाने की प्रसंग का भक्तगणों ने रसपान किया। इस पावन कथा प्रसंग को व्यास पीठ पर बैठकर भागवत ज्ञाता पंडित कमलेश दीक्षित ने सुनाया। कथा के दौरान बीच बीच में सुमधुर भजनों की भी प्रस्तुतियां दी गई, जिस पर श्रोतागण खुद को नाचने से रोक नहीं पाए। गौरतलब है कि नानी बाई को मायरो एक ऐसी कथा है जिसके मुख्य पात्र नरसिंह मेहता भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त है। उनकी बहन राजसी परिवार की बहू है, जहां विवाह प्रसंग के दौरान मायरो ले जाने की प्रथा है, किंतु जब नरसिंह मेहता वहां जाने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हीं का रूप धरकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं नानी बाई के ससुराल पहुंचते हैं और उन्हें 56 करोड़ का मायरा अर्पित करते हैं। ऐसी पावन कथा को सुनने का फल कई गुना ज्यादा मिलता है। आयोजन में श्री गोवर्धन नाथ भक्त महिला मंडल की प्रीति जायसवाल, पिंकी सिंघल, दीप्ति बरानिया, सोनू भावसार, वर्षा भावसार, रत्ना सोनी, सुनीता सोनगरा, प्रीति अग्रवाल, सविता अग्रवाल, मनीषा अग्रवाल, सारिका श्रेमाल, अनीता गोट, मोना तिवारी आदि का सराहनीय योगदान रहा। एक बार आप सभी की आवाज आना जी, भैया नहीं बोलेंगे कोई भी। सांवरिया सेठ की बरासरा पेट दूर दिसावर महामता नरसिया तो सेठ पाए था आदि गुमासदार। भगवान ने मंगल चुनर जो है नानी भाई को ओढ़ाई, नरसी भाई नानी भाई ठाकुर जी को देख करके सांवरिया सेठ ने समाज से कहा, भैया ध्यान दीजिएगा, अब जिसने जो लिखा हो वो बता दो, किसको क्या क्या चाहिए अपनी सूची लेके आ जाओ, मैं दे देता हूँ। तो सबसे पहले नारायणियों देवर आगे दौड़ियों,